नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है पुष्पिंदर। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए अकेती सरसों की बिजाई के लिए ये वीडियो। तो इसमें आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता कि अकेती सरसों की बिजाई का समय आ चुका है, 15 अक्टूबर से अगेती बिजाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आज 28 सितंबर को अपने खेतों में पानी लगाना शुरू कर दिया है। ये सितंबर का बिल्कुल लास्ट वीक है और थोड़ा मौसम में नमी आ चुकी है, बरसाती मौसम ख़त्म हो चुका है। तो ये 6-7 तारीख तक जुताई के लिए तैयार हो जाएगी ज़मीन। जुताई करने के बाद पाटा लगाकर इसको छोड़ देंगे, एक बार हफ्ते भर के लिए छोड़ देंगे। जो इसमें कचरा वगैरह खरपतवार वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा और 14 तारीख को फिर जुताई करके पाटा लगाकर शाम को 15 तारीख सुबह बिजाई चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने बीज सिलेक्शन किया है इस बार पाइनियर का 45S46 ही लगाऊंगा, जो मेरा फेवरेट है। 5-6 साल से मैं लगातार पाइनियर 45S46 लगा रहा हूँ, जिसका पर बीघे के हिसाब से 6 क्विंटल, 6.5 क्विंटल, 7 क्विंटल तक उत्पादन हो रहा है। तो ये जो वैरायटी है ज़्यादा ही हाइट नहीं करती, लगभग 5-1 फीट, 5.5-6 फीट तक हाइट रहती है इसकी। पौधा अच्छी बढ़वार करता है, अच्छा फैलाव लेता है और जो इसकी तेल की मात्रा है वो 40% तक होती है इसमें। वो अच्छे रेट से ये बिकती है मार्केट में, अच्छा उत्पादन है, अच्छा रेट मिलता है, तो सब कुछ आपको बम्पर मिलता है। तो मैंने इसमें छोटी छोटी क्यारियाँ डालकर आज पानी से भर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कंप्यूटर लेवलर लगवा लिया था और जो बिजाई से पहले जो रासायनिक डालेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है, तो आप भी फ्रेंड्स अपने खेतों की तैयारी कर लीजिए, सिंचाई वगैरह कर लीजिए। अगेती सरसों का टाइम आ गया है 15 अक्टूबर से, और जो बीज वगैरह लगाना है वो अपने एरिया के हिसाब से, जो आपके एरिया में चलता है, आस पड़ोस से पूछकर जो आपको अधिक उत्पादन देगा वो ही लगाना। मेरे एरिया में 45S46 चलता है, लगभग ये हर एरिया में चल जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने एरिया के हिसाब से बीज का चयन करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, धन्यवाद।